नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। इन दिनों रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के यात्रा पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा समझो समझाओ यात्रा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो नवादा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए NRC हो चाहे CAA को लेकर बड़ा हमलों केंद्र सरकार पर बोला है। साथ ही CM नीतीश कुमार पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर CM नीतीश कुमार भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही NRC का मामला हो चाहे CA का मामला हो केंद्र सरकार का साथ दिया। आगे आप वीडियो में देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। पता नहीं अब नीतीश जी 15 साल तक सरकार 15 साल से चला रहे हैं और उसके बावजूद बिहार की जनता अब नीतीश जी क्या समझ रहे हैं उनकी मर्जी, लेकिन बिहार की जनता अशिक्षित हो सकती है, मूर्ख नहीं है, यह बात नीतीश जी को समझना चाहिए। बाहर में कह रहे कि NRC का हम विरोध कर रहे हैं और अंदर में पार्लियामेंट में जब कानून बन रहा था तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी पार्लियामेंट में कानून बनाने में सरकार के पक्ष में वोट दे दिया। जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून बनाने में है उससे ज्यादा दोषी नीतीश कुमार जी कानून बनाने में ज्यादा दोषी है, क्योंकि नीतीश जी के लोगों ने पार्लियामेंट में लोकसभा में राज्यसभा में वोट दिलवा दिया कानून के समर्थन में। अगर नीतीश जी कानून के समर्थन में वोट नहीं करते, कानून के समर्थन में वोट नहीं दिलवाते तो कानून भारत की सरकार नहीं बना पाती। नीतीश जी के समर्थन के चलते कानून बन गया, अंदर में कानून बनाते हैं और बाहर में लोगों को ठगने का काम करते हैं। नीतीश जी यह बात नहीं चलने वाली। भाई और बहनों, किया जाए वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, आप वोट नहीं डाल पाएंगे। जो इंदिरा आवास की सुविधा आपको मिलती है नहीं मिल पाएगी। आपके बाल बच्चे जाते हैं स्कूल, मिड डे मील का भोजन करते हैं, आपके बाल बच्चों को मिड डे मील का भोजन नहीं मिल पाएगा। आपको नौकरी आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगी। आरक्षण जो अभी सुविधा मिल रही आरक्षण आपको नहीं मिल पाएगा। तो इतना भारी संकट गरीब लोगों के सामने NRC के चलते आने वाला है। और जब से विरोध इसका शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी चालाकी से कह रहे कि अरे भैया हम NRC अब कहां कर रहे हैं, क्या परेशान है, हम तो NPR कर रहे हैं। हम नया शब्द ले आए हैं, NRC नहीं कर रहे हैं, NPR कर रहे हैं। अब NPR क्या है पढ़े लिखे लोग जानते हैं NPR क्या है। NPR का मतलब जो भी जनसंख्या हिंदुस्तान की है उसका नाम रजिस्टर में लिखेंगे। और इसके बारे में भारत सरकार कह रही है कि हम कोई कागज इसमें कोई कागज नहीं मांगेंगे NPR में। लेकिन साथ साथ यह भी कह रहे NPR और NRC दोनों अलग अलग चीज है। गृह मंत्री भी बोल रहे हैं डरिए मत NRC नहीं कर रहे, NRC नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहे, कह रहे कि हम NRC शुरू कहां किए हैं, अभी तो NPR कर रहे हैं और NPR में हम कुछ मांगेंगे नहीं, आप सिर्फ जानकारी मौखिक बोल कर दीजिएगा, यही लोग बोल रहे हैं। और कह रहे कि डरिए मत, तो एक तरफ भाषण देकर कह रहे हैं कि डरिए मत, NRC और NPR अलग अलग चीज है।